बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है और ये खेला पूरे बिहार की राजनीतिक हवा को बदल कर रख देगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के टूटने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन ने अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, लेकिन सरकार में बड़ी हिस्सेदारी वाली दोनों पार्टियां यानी जेडीयू और आरजेडी के बीच उम्मीदवारों के मुद्दे पर ठनती दिख रही है। दोनों दलों के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार से कुर्बानी देने की बात कह रही है, तो वहीं जेडीयू ने आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव से 2025 का वादा कर फिलहाल इस मामले को टालने की कोशिश की है। बिहार के ताजा राजनीतिक हालातों के बीच नीतीश कुमार तो मुखर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने खामोशी साध रखी है। हालांकि आरजेडी के तमाम बड़े नेता उनके पक्ष में लगातार बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार को वीपी सिंह की राह पर चलने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें बड़ा पद यानी कि प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए छोटा पद यानी कि मुख्यमंत्री का पद त्याग देना चाहिए। आरजेडी के तमाम नेताओं की भी यही राय समय समय पर सामने निकल कर आती रहती है। 2025 के वादे पर आरजेडी को नहीं भरोसा है। आरजेडी नेताओं के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तेज होती मांग का पार्टी आलाकमान के द्वारा खंडन भी नहीं किया गया। तेजस्वी यादव भी इस मामले पर कभी बयान नहीं देते हैं। इन खामोशियों के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आरजेडी को नीतीश कुमार के वादों पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में महागठबंधन के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेतृत्व सौंपने की घोषणा की थी। हालांकि इससे पहले 2024 में लोकसभा का बड़ा चुनाव होने वाला है। बिहार में फिलहाल 7 दलों की सरकार चल रही है। ऐसे में जेडीयू की नजरें सीट शेयरिंग पर टिकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बराबर की हिस्सेदारी लेने वाले नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में मोल भाव करना आसान नहीं दिख रहा है। फिलहाल जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद हैं। बिहार की राजनीति और खास तौर पर नीतीश कुमार को जानने वाले लोग जेडीयू के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के पीछे छिपे राज को ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में लोग इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी के तेवर को कम करने की कोशिशों के तौर पर देखते हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 2025 में अभी काफी वक्त है और उससे पहले 2024 के लिए उन्होंने दांव चल दिया है। हालांकि आरजेडी भी नीतीश कुमार पर कुर्सी खाली करने का दबाव बनाना शुरू कर चुकी है, जो कि नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।